ब्यावर जिले के नयासर गांव में बोलेरो कार में सवार करीब 6 से 7 युवकों द्वारा एक युवक का अपहरण कर मारपीट करने का मामला सामने आया। जी हां, नयासर निवासी इमरान को बोलेरो कार में सवार करीब 6-7 युवकों ने कार में धकेल कर उसके साथ मारपीट की। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसके पास रखी हुई 12,300 रुपए करीब की नकदी थी, जिसमें 12,100 रुपए और एक घड़ी साथ ही चांदी की चैन भी आरोपियों द्वारा लूट ली गई है। उसने कहा कि वाहन में तेज आवाज में म्यूजिक चलाकर उसे बहुत पीटा गया और नूंद्री सनातन स्कूल के पास में उसे फेंक कर तमाम युवक फरार हो गए। हालांकि आसपास के राहगीरों ने घायल अवस्था में निवासी नयासर निवासी जो इमरान है उसे अमृत कौर अस्पताल में भर्ती भी करवाया। पीड़ित के परिजनों ने फिलहाल सदर थाना पुलिस को नामजद लोगों के खिलाफ शिकायत भी दी है। ऐसे में प्रथम दृष्टिया माना जा रहा है कि पुरानी रंजिश का मामला यहां पर सामने आ सकता है। ऐसे में पीड़ित ने यह भी कहा है कि पूर्व में भी उन कुछ युवकों ने मारपीट और धमकी को लेकर उनका विवाद पहले हो चुका है। फिलहाल सदर थाना पुलिस ने पीड़ित के बयान दर्ज कर लिए हैं और नामजद लोगों की तलाश शुरू कर दी है। 7:30-8 बजे से मैं काम पर जा रहा था, मेरे साथ ये घटना हुई। मैं हमारे गांव के 200 मीटर आगे ब्रिज है, उस पर मैं एक दुकान है वहाँ पर एक बीड़ी का बंडल लेने के लिए रुका था और एक बोलेरो आई, उसमें 7-8 बंदे थे, उसमें जबरदस्ती पटक कर जबरदस्ती हाथापाई कर कर उस बोलेरो के अंदर पटक कर मुझे चितार ले गए और जहाँ पर नयासर से रवाना हुआ चितार तक मेरे साथ मारपीट मतलब करते रहे और गाड़ी के अंदर साउंड पूरा जो गाना चलता है उसको पूरा साउंड खोल के पूरे गाड़ी के अंदर नाच रहे थे, नाचते नाचते मेरे को मार रहे थे और वहाँ पर ले जाकर मेरे को जबरदस्ती शराब पिलाकर मेरे हाथ की नसें दोनों हाथ की नसें काट दी और फिर बोले कि तू थाने में रिपोर्ट कर देगा तो तुम्हें हम 1-2 दिन बंद रह जाएंगे लेकिन वापस तेरे को उठा लेंगे और अब तो तेरे को छोड़ दे लेंगे, अब तो तेरा मर्डर ही करेंगे, तेरी एक एक बोटी तेरे एक एक शरीर का एक एक अंग तेरे घर पर भेजेंगे अलग अलग पार्सल कर। और फिर ऐसे ऐसे मारपीट करके और मैं हाथाजोड़ी करने लगा तब मैं भागने लगा, जब भागा तो पीछे से पत्थर फेंका जो मेरे सिर पर यहाँ पर टेके आए हुए हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा पत्थर था, 1.5 किलो का पत्थर था, बहुत जोर से मारी थी और वहाँ मैं बेहोश हो गया था, पड़ गया था। पड़ते हुए मेरे मुँह में एक पानी पिला रहा था बंदा, वो उसको लात की मार कर उसको बोला इसको पानी मत पिला, इसको गोबर खिला तब ये होश में आएगा। फिर मेरे मुंह में गोबर डाल दिया, ये गाय भैंसों का गोबर होता है। बस उसके बाद में मेरे को वापस बोला कि ये मर जाएगा, इसको छोड़ दे। जब वापस मेरे को यहाँ पर नूंद्री सनातन स्कूल के पास वहाँ पर मेरे को पटक के चले गए वापस। क्या क्या ले गए जिम में से? और मेरे पास 12,300 रुपये कैश थे, एक घड़ी थी और एक चांदी की चैन थी। जो वो चांदी की चैन और घड़ी और 12,300 रुपये थे उसमें से 12,100 रुपये ले गए, 200 रुपये मेरे जेब में वापस डाले। वो दूसरा आदमी डाला कि नहीं ये कहाँ जाएगा इसके पास, मतलब ये गेले में अगर ये मेडिकल कुछ कराएगा या फिर कोई डॉक्टर के पास जाएगा तो इसके पास पैसे रहने चाहिए। लेकिन 12,100 रुपये वो लेकर गए और घड़ी और चांदी की चैन लेकर। कौन लोग थे वो, नाम याद है? सिकंदर जोलीगाटी और मुकेश कालू सांवर कटात, वो चिता नारकड़े के थे। कोई पुरानी रंजिश थी? नहीं, पुरानी कुछ भी नहीं है। मैं पहले सिकंदर दोलीघाटी के काम करता था मैं, जो वहाँ पर अमेरिका में मेरे को यहाँ पर लेकर जबरदस्ती लेकर गया। मैंने बोला कि मेरी यार बीसी है, जो मेरी बीसी भरूंगा मैं। वो बोला कि तेरे को 5,000 रुपये दे दूँ मैं एडवांस। मैंने बोला भाई चलो ठीक है 5,000 रुपये देते। वो 5,000 रुपये उसने दिए और मैं 8-9 दिन वहाँ पर काम करके आया था। मेरे वहाँ पर पैसे चुक गए थे। मैं वहाँ से बोला कि मेरे से काम नहीं होता, मैं जा रहा हूँ। तो फिर जबरदस्ती वापस बुलाया, जबरदस्ती धोखे से बुलाकर वहाँ पर बोला कि मेरे पास यहाँ पर काम करना पड़ेगा और तेरे को अगर तू काम नहीं करेगा तो मैं यहाँ पर है ना तेरा मुकदमा लगा दूंगा कि तू चोर है और हमारे यहाँ सरिया भेज दिया, वो कर दिया। इसलिए मैं डर गया था, इसलिए मैं वापिस में डर गया था और बोला था कि ऐसा तू भग गया भी शरीर तो वहाँ पर तेरा मुकदमा लगा दूंगा। हाँ, भगने लगा तो वहाँ पर मेरे को पकड़कर जोधपुर में और मेरे को मारपीट की थी। फिर मैं घर पर आया, फिर मेरा फोन आया कि बोल के तेरे पैसे देने नहीं देना। फिर ऐसे मतलब गाली गलौच हुई, उसके बाद सुबह आई बोलेरो और ये मेरे को लेकर गया। पुलिस को रिपोर्ट कराई? पुलिस को रिपोर्ट रात को कराई थी।